हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्रेडल। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया और बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट से हूँ, तो मुझे AI मशीन लर्निंग में आगे बढ़ना चाहिए और अप्लाइड AI कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और मुझे इतना स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस है, कई लोग फ्रेशर हैं तो कई लोगों को करीब 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो सब इन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए इसके साथ मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे पहले ये बोल देना चाहता हूँ कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्यूटर साइंस है। मेरा स्पेशलाइजेशन ही बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स आगे बताने वाला हूँ ये नहीं है। तो अगर मैं ये सारा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रिसर्च बेस्ड बना रहा हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इंटरनेट पर और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला मैं उसके बेसिस बना रहा हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है या तो फिर अगर आपके पास कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो पहला डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी स्कोप है AI मशीन लर्निंग का, जैसे कि मोबाइल प्रोसेसर्स आते हैं, लैपटॉप प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर्स आते हैं। तो आजकल सभी ऑन चिप AI सपोर्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 865 है, उसमें उन्होंने ऑन चिप AI सपोर्ट बनाया है, जिससे कि आपके जो मतलब यूज़र टू यूज़र जो एक्सपीरियंस होता है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, और यूज़र किस तरीके से अपने फ़ोन को डे टू डे लाइफ में यूज़ करता है उसके हिसाब से वो कितना पावर देना चाहिए, उसके हिसाब से वो बैटरी एफिशिएंसी और इन सब चीज़ों को मतलब कंट्रोल करने के लिए वो AI सपोर्ट डालते हैं चिप में। तो आई गेस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एक बैकग्राउंड आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके पास डोमेन नॉलेज है, तो आप ऑब्वियसली अगर AI मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब अगर आप सीखते हैं तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली इस फील्ड में काफ़ी मदद मिलेगी। और इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हैं तो फिर आपका ऐसा भी है कि होम ऑटोमेशन में काफ़ी स्कोप है AI मशीन लर्निंग का। तो जैसे कि अगर आप किसी होम ऑटोमेशन पे काम करना, जैसे IoT के साथ अगर आप इसको कंबाइन करें तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है आपका, अगर आप AI मशीन लर्निंग भी यूज़ करते हैं IoT में, जैसे कि ऑटोमेटिकली बल्ब बंद हो जाना, मतलब लाइट बंद हो जाना, फैन ऑन हो जाना, या बेसिकली बिना AI मशीन लर्निंग के भी कर सकते हैं। बट अगर आप इसको भी यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आई होप ये दो पॉइंट है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड के लिए, बट अगर आपके पास और भी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ब्रांच या डिपार्टमेंट है वो है सिविल इंजीनियरिंग या सिविल डिपार्टमेंट। उसमें मेनली वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो ऐसा है कि बहुत सारे जो बड़ी कंपनियां हैं वो AI यूज़ कर रही हैं अपने इमेज प्रोसेसिंग के साथ। वो एक्चुअली जो मैनुअल ड्रोन है उससे फ़ोटोज लेते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का, और अलग अलग AI एल्गोरिदम, मशीन एल्गोरिदम या फिर डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो सब वो लोग उस पर लगाते हैं, और वो बताता है उसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, कितना ड्यूरेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो लोग AI से कर सकते हैं। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की मतलब है कि जियोग्राफिकल कंडीशंस पे बता सकता है कि कोई भी एल्गोरिदम की इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर का कितनी ड्यूरेबिलिटी है, कब इस कोलैप्स हो सकती है, या तो फिर किस तरीके से बनाओ कि बहुत लंबे टाइम तक चले। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए हैं, और इन सभी को बनाने के लिए आप AI मशीन लर्निंग ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दो पॉइंट मेरे पास थे, अगर आपके पास और पॉइंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन या डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आप लोड फॉरकास्टिंग बारे में आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे। तो ऐसा है कि आपके फ्यूचर में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो सकता है, ये सब प्रेडिक्ट करने में आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास अडैप्टिव पावर यूजेज ऐसा कुछ बनाना है जिससे कि आप यूज़र टू यूज़र या फैमिली टू फैमिली डेटा रिकॉर्ड करें कि ये फैमिली कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। उस तरीके से आपको ज़रूरत नहीं होगा कि हर घर में बराबर इलेक्ट्रिसिटी देनी है, उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड कर सकते हैं, और इससे काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये दो पॉइंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है, और आप अपना डिपार्टमेंट बताएं मुझे कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं। जो लास्ट स्पेशलाइजेशन या डिपार्टमेंट है वो है मैकेनिकल।
मैकेनिकल भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें AI मशीन लर्निंग बहुत वाइडली यूज़ होता है। जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर मटेरियल यूज़ करना है किसी काम के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके फिजिकल, केमिकल या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बेसिस पर आपको कोई मटेरियल सेलेक्ट करना है, तो वो आप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ AI मशीन लर्निंग। और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ऐसा है कि जैसे कि आपके किसी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप अगर बहुत एक्सपीरियंस हो ऑब्वियसली, तो आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है मशीन में, और आप उसको फटाफट ढूंढ लेते हैं। बट लेट्स सपोज आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाएं जिससे कि आप उसमें इनपुट डालेंगे कि आपके मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो अपने मशीन में फीड करें और वो आपको बता दे कि हो सकता है कि इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसको सीधे जाकर देख सकते हैं और आपका जो काम है, आपका जो प्रोसेस है, वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। और जो एक और पॉइंट है, अगर आप प्रेडिक्ट कर सके कि फॉल्ट ऑकरेंस कब हो सकता है, मतलब आपको अगर इन हैंड पहले ही पता हो कि कौन सी मशीन कितने टाइम चलेगी और कब ख़राब हो सकती है, उसकी लाइफ टाइम कितनी है, तो उससे आप सिचुएशन आने से पहले आप प्रिपेयर रहेंगे। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपकी मशीन है जो आपको पता है कि हाँ इस पीरियड में ख़राब हो सकती है, तो हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा मशीनरी ऑलरेडी तैयार रखें जिससे कि अगर इस पर काम रुकता है तो आप उस पर डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर कि मशीन लर्निंग और AI आपको प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर सकती है। तो आई होप यही कुछ पॉइंट थे मैकेनिकल बैकग्राउंड से भी। और अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि और आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर AI मशीन लर्निंग यूज़ हो सकता है। तो अगर अब इन सभी चीज़ों से आप ऑब्वियसली डिसाइड कर सकते हैं कि AI मशीन लर्निंग हर एक फील्ड में काफ़ी वाइडली यूज़ होता है, तो फिर अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं इन AI मशीन लर्निंग फील्ड में, तो ऑब्वियसली आप अप्लाइड AI कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं आपको यहाँ कार्ड में उसका लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर हाँ आप प्रोग्राम बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से अपना प्रोग्रामिंग पे ध्यान दें और प्रोग्रामिंग करना शुरू करें, स्पेशली इन पाइथन। और अगर आपने आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग आप हैंडल कर सकते हैं, आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आ रही है, आप समझ में आ रही है, और प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा नहीं है कोई सीख नहीं सकता, प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, मैं एक्चुअली इसे ईजी नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया प्रोग्रामिंग में, आपको नहीं लगा कि ये काफ़ी लॉजिकल है, तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। बट मुझे काफ़ी पसंद है प्रोग्रामिंग, तो आप भी अगर आपको भी इंटरेस्ट है, आपको ऑब्वियसली अगर AI मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो आप प्रोग्रामिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो फिर आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करें। और जब आपको लगता है कि हाँ आप काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं प्रोग्रामिंग से, स्पेशली पाइथन में, तो फिर आप अप्लाइड AI कोर्स ले सकते हैं। और अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है आपको पाइथन में, तो फिर आप ये कोर्स ले सकते हैं, इसमें पाइथन भी सिखाया जाता है जो भी उसमें AI मशीन लर्निंग में यूज़ होगा, तो फिर आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो काफ़ी प्रोग्रामिंग हैवी हैं, तो जब आप उससे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज्ड हो जाएंगे और आपको वो ईजी लगने लगेगा। तो यही था मेरे कुछ थाट्स और व्यूज़ आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी एप्लीकेशन है AI के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको थम्स अप दें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।